दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को सशक्त, समर्थ और सक्षम बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनके द्वारा व्यापक स्तर पर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंच रहा है। जानकारी के अभाव में कोई भी दिव्यांगजन इन योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे, इसलिए 91.2 NIVH हेलोदून दिव्यांगजनों को समर्पित एकमात्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लेकर आया है कार्यक्रमों की खास श्रृंखला, सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में आप जानेंगे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं के बारे में। कार्यक्रम श्रृंखला में आज आप जानेंगे अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज के बारे में। क्या आप एक परेशान माँ हैं? क्या आपके बच्चे के व्यवहार में कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है? क्या आपका बच्चा उसका नाम पुकारने पर जवाब नहीं दे रहा है? क्या आपका बच्चा ग्रुप में खेलने पर भी अकेला सा महसूस करता है? क्या आपका बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से ठीक से नहीं बोल पा रहा है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब दे रहा है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन। ये संस्थान मुंबई में स्थित है। संस्थान के 4 रीजनल सेंटर्स भी हैं, जो कि कोलकाता, नोएडा, सिकंदराबाद तथा भुवनेश्वर के पास जनला में है, जहां पर स्थानीय एवं क्षेत्रीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन का विकास किया जाता है और सेवाएं दी जाती हैं। संस्थान का विजन है रीच टू अनरीच, जिसके अंतर्गत अपनी आउटरीच तथा एक्सटेंशन सर्विसेज द्वारा श्रवण बाधितों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। संस्थान के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजू अरगसर। आप संस्थान में डायरेक्टर ऑफिशिएटिंग हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के कार्यक्रम में, जहां पर हम नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करेंगे, और आज हम बात करेंगे अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में। सर, सबसे पहले हम चाहेंगे आपसे आपका परिचय। थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आई एम डॉक्टर राजू अरहत, डायरेक्टर ऑफ ऑफिशिएटिंग अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। दिस इज एन ऑटोनोमस बॉडी विच इज वर्किंग अंडर DEPWD, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Basically, we work for persons with hearing handicap, and that is our mission and vision to rehabilitate them, to provide the vocational training and all, then their employment and their manpower development also we are very actively involved, and meantime diagnostic services are also very much important for that. Assessment of language, assessment of speech, and diagnosis of hearing impairment. So likewise, number of services we provide. And also directly we provide the services to the children with hearing impairment, and also for the children with persons with hearing handicap. तो सर, जैसा आपने बताया कि जो श्रवण बाधित लोग हैं या जो सुन नहीं सकते हैं, उनको आप फैसिलिटेट करते हैं, उन्हें सर्विसेज देते हैं अली यावर जंग। सर, एक बड़ा प्रश्न है, अली यावर जंग का फुल फॉर्म क्या है? सर, अली यावर जंग का फुल फॉर्म ऐसे है, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांग जंग। जी, कहाँ स्थित है सर ये? यह मुंबई में स्थित है, इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, और वी हैव रीजनल सेंटर्स, टोटल फोर रीजनल सेंटर्स। वन इज एट नोएडा रीजनल सेंटर, एंड देन सिकंदराबाद रीजनल सेंटर, कोलकाता रीजनल सेंटर, एंड वन इज इन भुवनेश्वर, नॉट एग्जैक्टली भुवनेश्वर, नियर टू द भुवनेश्वर, इट इज इन खुर्दा डिस्ट्रिक्ट ऑफ भुवनेश्वर, ओडिशा। जी, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट का?
द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अलियावर्धन नेशनल इंस्टीट्यूट आर लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैन पावर डेवलपमेंट देन प्रोवाइडिंग डायग्नोस्टिक एंड एवेल्यूशन सर्विसेज टू द पर्सन विथ हियरिंग हैंडीकैप then outreach and extension services providing vocational training we have outreach and extension services for the to reach to the unreached people to very remote and rural area people so this kind of many other research and research also is there very important part speech and language therapy we provide we also provide the national open schooling We have center and then ISL interpreter services are also being provided from here. And beside of this, we have different diagnostic services like hearing assessment, then speech language assessment, then psychotherapy, behavior therapy, play therapy, etc. Psychological evaluation also being done here. Then educational counseling also being done here. guidance and counseling so we provide the referral services also for the children small kids and recently 2 years before we have started here under the aegis of ministry of social justice pwd department cdic program that is cross disability early intervention program so this program is very much useful for the children with hearing impairment who are very young and we that is our mission to catch them at the early stage and take the maximum input or maximum residual take use of the maximum residual of their hearing loss at the early stage providing them the early intervention services and along with that many other programs we have like we are the nodal agency for implementing cochlear implantation services here so 293 hospitals were panelized by this institute and throughout the India we provide the services of cochlear implantation through our panelized hospitals and post operative services also we provide from this so many services we provide ma'am from this institute and also manpower development like Aliyarjung is involved in manpower development we have right from the diploma or certificate courses to the phd courses so phd in special education we have and phd in audiology also We have so these are 2 years of the courses, and if you go for the long term training program like a BSLP 1 degree program that is affiliated to Nashik University, MEHS University, that provides 4 year duration course that is called the BSLP Bachelor of Speech Language Pathology course. So after doing of this course. The students become audiologists and they can go for the speech pathologist also means they become the practitioner for that. Then we have master degree, master in speech language pathology, MASLP it's called the MASLP and MSc audiology also. So they after degree they get the specialization in speech. audiology either in audiology or in speech also so there are 2 provisions of specialization in this area then phd after that they can go for the phd but if we come again back to the degree program so we have bachelor of special education and master of special education so bachelor of special education they become the professional teacher special educator professional through in the field of hearing impairment and after pass out of 2 years duration course they can do their own practice or sometimes they can go join the school special school they get very good opportunity to serve for the children with hearing impairment
So these are long-term training programs, and we have 1 year auditory verbal therapy program also. That is a very important program, and obviously it is very demanding, because after cochlear implantation there is a need of therapy post operative that program. We have to look after their language level and the speech level after that. So all that can be taken from our website. So detail number of things can be get from our website. That जी, is sir, जी sir, मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि कितने courses अभी आप लोगों के यहाँ से चल रहे हैं? हाँ, अगर number of courses की बात करते हैं तो B.Ed. special education, M.Ed. special education, then we have diploma in special education, then M.Ed. special education, BSLP, Bachelor of Speech Language Pathology, then Master of Speech Language Pathology, that is Audiology and Speech. Then PhD we have in both specialization areas, special education, as well as audiology. Then we have in Indian Sign Language program also. जी. That is 1 year program, Indian Sign Language. एंड बेसिक थिंग इस तरह से होती है कि उसे जो जो ट्रेनिंग जो देते हैं तो वो खासकर डेफ कम्युनिटी डेफ ही होते हैं. हाँ, मतलब टीचर विल बी डेफ जिन्हें. यस यस यस, नॉट कोडा एग्जैक्टली, बट जो डेफ होते हैं दे ओनली कैन बिकम द टीचर ऑफ दैट ISL साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम. जी सर, कुछ ऐसा भी है कि कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो सिर्फ डेफ लोग ही वो कोर्सेज करते हैं साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए? क्या कुछ ऐसा भी है? मैंने कुछ ऐसा सुना है, क्या ये बात सही है? जी जी, तो बिल्कुल सही बात है कि ऐसा माना जाता है कि डेफ टीचर, अच्छा डेफ टीचर डेफ ही बन सकता है. जी. मतलब जो साइन लैंग्वेज टीचर होता है वो डेफ ही अच्छा टीचर बन सकता है. जी. जो नॉर्मल हियरिंग पर्सन कैनॉट बी दैट मच as good as the deaf person. As a deaf person. जी जी जी. So this kind of understanding is there, but meantime we can say कि चलो बाकी लोग भी अच्छे से सीख सकते हैं, और they also can become very good professional. They also can do the sign language interpretation. एक course भी होता है interpretation, that is called the Indian Sign Language Interpretation. उसमें normal जो होते हैं hearing people, they can take a training, they can become a sign language interpreter. जी. So that is also very nice program we have, and almost most of the programs we have at our regional center also, as I told you, at Noida base, Kolkata, then Secunderabad, Bhubaneswar. Along with this, we have under the administration of Aliya Arjung National Institute, we have CRC, that is called Composite Regional Center. We have all together 3 CRCs. That is, one is in Nagpur, one is in Ahmedabad, and another is in Bhopal. And recently, one of the CRC, that is Composite Regional Center, has been started in Chhatarpur in Madhya Pradesh. So it was inaugurated by our honorable minister, Dr. Virendra कुमार जी. जी जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात है ये. जी जी सर, ये तो बात हुई एचआर की, ह्यूमन रिसोर्स को हमारा ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स इस फील्ड में लाने के लिए. उसके बाद बात आती है सर, सर्विसेज क्या देते हैं अली आवर जंग हियरिंग इम्पेयर्ड को? यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव द डायग्नोस्टिक सर्विस, मतलब जिसे ऑडियोमेट्री बोलते हैं. ऑडियोमेट्री जो बच्चे को, छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, जो आते हैं जिनको सुनने में तकलीफ होती है, तो हमारे पास ऑडियोमेट्री की जाती है. तो उससे सुनने की क्षमता को पहचान सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उससे डिग्री यूज होती है, अलग अलग प्रकार के डिग्री, जैसे कि डेसिबल में काउंट किया जाता है. तो डेसिबल में 0 to 20 डेसिबल डिग्री जो होती है सुनने की क्षमता, तो 0 to 20 एक नॉर्मल रेंज होती है तब हम लोग सुनते हैं. उसके बाद 20 से 40 होती है, 25 to 40 होती है. तो इस तरह का, देन इस प्रकार से माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट, देन मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट, देन
उसके बाद में सेंसरी सेंसरी न्यूरल देन प्रोफाउंड, इस प्रकार की डिग्रीज अलग अलग होती है, उससे कान की क्षमता को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और एक बार ये पता होने के बाद अगली ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। अगली ट्रीटमेंट ये होती है कैसे एग्जैक्टली उसके उसका जो स्पीच होता है, स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, स्पीच डिपार्टमेंट। तो वहां पर वो बच्चे की बात करने की क्षमता और लैंग्वेज लेवल जानी जाती है, और उसके बाद में ये तय किया जाता है कि उसे थेरेपी किस हद तक देनी चाहिए और क्या प्रकार की थेरेपी देनी चाहिए और इंडिविजुअल प्लानिंग किस तरह से उनके लिए करना चाहिए, एक होता है। देन एक हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें स्कूलिंग के लिए हम रेफरल देते हैं कि अगर जब छोटे बच्चे हैं तो स्कूल किस प्रकार की प्री स्कूल सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, तो किस प्रकार की एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए। जैसे कि दो प्रकार का नॉर्मली एजुकेशन होता है कि एक स्पेशल स्कूल होती है, दूसरी होती है कि इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल आजकल बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं इंक्लूजन के, तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि उनके बच्चे अपने नॉर्मल स्कूल में जाए, और हमारे पास हमारे सरकार ने प्रावधान भी बनाया है, उसे रिजर्वेशन भी रखा है बच्चों के लिए, तो आराम से उनको वहां पर एडमिशन दी जा सकती है। तो इसमें डिपेंड करता है कि बच्चों की भाषा की लेवल क्या है, और उसी के साथ बच्चों को जो जो हियरिंग लॉस एट व्हाट एज इट इज आइडेंटिफाइड, कौन से एज में आइडेंटिफाई किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे क्या सर्विसेज देनी चाहिए। तो ये रेफरल सर्विसेज भी हमें हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से दी जाती है। और अगर अडल्ट डेफ हमारे पास आते हैं, अडल्ट पर्सन विद हियरिंग हैंडीकैप आते हैं, जो कि समझिए कि 8 स्टैंडर्ड किया है उन्होंने, लेकिन वो अगला एजुकेशन कंप्लीट नहीं किए, तो हमारे पास नेशनल ओपन स्कूलिंग का भी प्रावधान है, NOS के द्वारा वो संचालित किया जाता है, हमारे स्टडी सेंटर है। तो ऐसे बच्चों के एग्जामिनेशन भी हम अरेंज करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट क्लासेस भी हम अरेंज करते हैं, तो इस प्रकार की सुविधा भी उसमें होती है। और अगर बहुत छोटे बच्चे हैं और उनकी लैंग्वेज क्षमता बढ़ाने की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारे चांसेस अगर है उसमें करने के लिए, तो जैसा एक CD है, ऐसी एक सेंटर हमने खोला है क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि वी रिफर दैट चाइल्ड टू अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। अभी ये अर्ली इंटरवेंशन सेंटर इस प्रकार का है कि एक कंसेप्ट ही ऐसी है कि कोई भी एक अंडर वन रूफ वी कैन प्रोवाइड डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज। सो लाइक स्पीच थेरेपी विल बी प्रोवाइडेड इन दैट, एजुकेशनल असेसमेंट, ऑडियोमेट्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज विल ऑल्सो बी गिवन देयर, देन फिजियोथेरेपी इफ चाइल्ड कमिंग विथ फिजिकल डिफॉर्मिटीज एंड ही नीडेड सम फिजिकल एक्सरसाइज ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट। तो क्यों बच्चों को ये सेंटर से बाहर कहीं पे भटकना है, तो एक्चुअली वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वही कंसेप्ट से इसे लाया गया कि एक ही अंडर वन रूफ द चाइल्ड शुड गेट ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज लाइक फिजियोथेरेपी ऑल्सो। अगर बच्चों का सीपी का इश्यू है, सेरेब्रल पैल्सी का इश्यू है, मूवमेंट का इश्यू है, तो उसके लिए भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह दी जाती है, फिजियोथेरेपी वगैरह दी जाती है, इस प्रकार के विभिन्न सर्विसेस यहाँ पे दी जाती है, ये सर्विस का पार्ट हो। जी सर, ऐसा कहा जाता है कि अगर पहले डिटेक्शन हो जाए बच्चे में कि उसको कुछ हियरिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका समाधान तभी निकाला जा सकता है और दिव्यांगता से उसको बचाया जा सकता है, क्या ये बात सही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यस, आई विल टेल कि सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट इज नॉट डिजीज। तो अगर कोई भी चीज ये अगर डिजीज नहीं, तो देर इज नो मेडिसिन फॉर दैट, सो इट इज नॉट क्यूरेबल। तो अगर ये क्यूरेबल नहीं होता है, तो व्हाट इज द देन और क्या रास्ता बच जाता है? तो फाइनली एक ही होता है कि रिहैबिलिटेशन उनका कैसा करे। हाँ, उनका प्रिवेंशन तो हम सुनते हैं कि अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट होना नहीं चाहिए, तो बहुत सारे कॉजेस हैं उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, और अवॉइड कर
किस तरह से हम उनको वो डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट कैन बी डन, बट वंस इट हैपन देन इट इज नॉट क्यूरेबल. सो वी हैव टू थिंक अबाउट द चाइल्ड रिहैबिलिटेशन, हाउ बेटर वे वी कैन प्रोवाइड द सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, वी नीड टू थिंक ऑफ दैट. तो बहुत सारे आजकल के इसमें टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, तो हमारे पास जैसे आपको पहले हमने बताया कि कॉकलियर इम्प्लांटेशन एक सर्जरी है. अगर अर्ली एज में कॉकलियर इम्प्लांटेशन होता है तो डेफिनेटली उसे एक अच्छा भाषा का और स्पीच का एक्सपोजर हम दे सकते हैं. और जितने जल्दी बच्चों को भाषा और स्पीच का, स्पीच मतलब भाषा, तो अगर अगर देते हैं और एक अप्रोप्रिएट बीटी हियरिंग एड अगर हम देते हैं, तो उससे यही होता है कि उसका जितनी भी बच्ची कुची हियरिंग होती है उसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है और मैक्सिमम यूज करके उसकी लैंग्वेज डेवलप की जाती है. यही होता है एक्चुअली कि 0 to 5 years ऐसा एज होता है कि जिसमें हमारा ब्रेन इस तरह से डेवलप लैंग्वेज को किया जाता है. तो दैट इज इन दैट पर्टिकुलर एज ओनली. व्हेन दैट एज इज ओवर देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप अ वेरी फ्लुएंट एंड नेचुरल लैंग्वेज. तो इसलिए कि बच्चों का अर्ली पीरियड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और अक्सर होता है अगर बच्चों को हियरिंग एड प्रॉपरली मिले और उसका उसे बेनिफिट मिले, या तो कॉकलियर इम्प्लांटेशन हो, तो डेफिनेटली उसकी हियरिंग बढ़ा सकते हैं हम, एम्पलीफाई कर सकते हैं और एम्पलीफाई करके उनका बहुत अच्छे से उसका फायदा उठा सकते हैं. और आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज वो बोल सकते हैं जब तक कोई ना बोले कि ये हियरिंग हैंडीकैप है. ऐसे भी बच्चे हमारे पास होते हैं और उनका आगे भी पिक्चर अगर देखते हैं तो इट इज रियली ब्राइट, बहुत अच्छा होता है. लेकिन एक ही चीज होती है कि उनको सही वक्त पे पहचानना और सही वक्त पे उसका डायग्नोसिस करके एवेल्युएशन करके उन्हें अच्छा एक एम्प्लीफिकेशन डिवाइस देकर या तो सर्जरी प्रॉपर करके और उसके बाद थेरेपीज वगैरह प्रॉपर एजुकेशन देकर बहुत अच्छे से हम उनकी भाषा का विकास कर सकते हैं. जी बहुत बढ़िया बताया सर आपने ये बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है. सर एक बात और जानना चाहेंगे कि बहुत ही बेसिक बात है ये कि पेरेंट्स को या किसी व्यक्ति को ये कैसे पता चले कि उसका जो हियरिंग में प्रॉब्लम आ रही है या वो लॉस है या फिर जो बच्चा है उसको हियरिंग में कुछ दिक्कत है, कैसे इस बात का पता लगाया जा सकता है? जी मैम, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो अवेलेबल है डिजिटल प्रोग्रामेबल बीटी हियरिंग एड जिसे बोलते हैं, तो इस हियरिंग एड को दिया जाता है. उसके साथ में हियरिंग एड के साथ में 36 डिस्पोजेबल बैटरीज दी जाती है और एक नॉन व्हाट इज कॉल चार्जेबल बैटरी सेल भी उसी के साथ में दिया जाता है. और ये जो मशीन है, लेकिन अब क्या हुआ है कि जैसे रिसेंटली कुछ पहले हमारे भारत सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने थोड़े इनिशिएटिव लिए थे कि और कुछ एड्स एंड अप्लायंसेस को थोड़ा बढ़ाना चाहिए इसी के साथ में. तो कुछ अलग अलग कोर ग्रुप है हमारे पास, तो उसमें कोर ग्रुप की हमने एक मीटिंग ली थी और उसमें और कुछ जो डिवाइसेस है उसमें ऐड किया गया, जैसे कि एक्स्ट्रा स्ट्रांग कैटेगरी. पहले क्या होता था कि अगर माइल्ड हेयरिंग लॉस है या स्ट्रांग हेयरिंग लॉस है, कोई भी प्रकार का हो लेकिन एक ही प्रकार का मशीन दिया जाता था. लेकिन अभी नहीं, अभी तो उसमें भी हमने कैटेगराइज किया गया है. तो अगर ज्यादा हियरिंग लॉस है तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्ट्रांग कैटेगरी डिजिटल प्रोग्रामेबल हियरिंग एड को दिया जाता है और उसी के साथ में एक्सेसरीज लाइक 36 डिस्पोजेबल नॉन रिचार्जेबल बटन बैटरी बटन सेल्स दिए जाते हैं. और उसी के साथ में हमने कुछ ऐसे एडिप के अंदर में देना चाहिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट को और ऐड किया है. तो फाइनल अप्रूवल हमारे मिनिस्ट्री से अगर मिल जाता है तो इसे एडिप स्कीम के अंदर में दिया जाएगा. जैसे कि डोर बेल विथ लाइट इंडिकेटर, जैसे डेप लोग होते हैं तो दे आर अनेबल टू हियर, अगर कोई डोर पे आता है डोर बेल बजाता है तो सो रहे हैं तो वो तो जग नहीं जाएंगे. तो ऐसे केस में एक थोड़ा सा
लाइट इंडिकेटर या तो पिलो वाइब्रेटर की भी हमने सुविधा मतलब उसमें ऐड करने के लिए बोले. इट इज देयर, टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी देयर इन मार्केट, लेकिन एडिप के अंदर में कवर करना है इसलिए कि पिलो वाइब्रेटर है. जैसे कि पिलो हेड के नीचे ऐसा रखेंगे, कोई अगर बेल बजेगा तो इट विल स्टार्ट वाइब्रेट, तो पता चलेगा वो जाएगा. हाँ जी, पता चलेगा. या उसके साथ में एजुकेशन किट है जो बच्चों का सेंसरी टॉयज होते हैं, सेंसरी टॉयज जिस तरह से कि हियरिंग नहीं है फिर भी बाकी बहुत सारे अलग आउट ऑफ 5 senses 4 senses कैन बी यूटिलाइज वेरी नाइसली. दैट इज कॉल्ड स्टिम्युलेटिंग टॉयज फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट. दे विल गेट वेरी मच इंटरेस्टेड टू डील विद, टू प्ले विद द टॉयज एंड दे विल लर्न बेटर वे. देन टैबलेट कंप्यूटर का प्रोविजन ऑल्सो इज देयर. कोई टैबलेट है कंप्यूटर है तो उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स है, सॉफ्टवेयर है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, पोएम्स है. सो थ्रू दैट ऑल्सो द एजुकेशन इज गिवन और कैन बी गिवन. तो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रो लैरिंग्स है, बहुत सारे डेप होते हैं कि जिनका डेप नॉट एग्जैक्टली डेप आई कैन नॉट से, जो बहुत सारे कैंसर होते हैं तो थ्रोट कैंसर होने के बाद में उसका लैरिंग जो है उसे रिमूव किया जाता है और उससे ऐसे होता है कि दैट पर्सन कैन नॉट स्पीक. तो ऐसे इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट मार्केट में है दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल इलेक्ट्रो लैरिंग. तो उसके द्वारा आप अच्छे से बात भी कर सकते हो, अच्छे से आपका स्पीच भी हो सकता है, आर्टिकुलेशन भी ठीक से हो सकता है. तो एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, मार्केट में है अवेलेबल, लेकिन हम चाहते हैं कि डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों को किस तरह से इसका फायदा हो. तो इसलिए एडिप स्कीम के अंदर इसे लेने के लिए हमने हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है. इसी के साथ वॉइस एम्पलीफायर है, माइक्रोफोन के साथ में होता है कि बहुत बार क्या होता है कि लो वॉइस हो जाता है. तो एग्जैक्टली तो ऐसे के साथ में एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम वॉइस को एनहेंस कर सकते हैं, जो हम बात करते हैं उसे एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है. देन केयर एंड मेंटेनेंस किट फॉर लैरिंगोटॉमी है, उसमें भी किस तरह से केयर करना है वो भी होता है कि उसमें क्लीनिंग इन्फेक्शन किस तरह से नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है. देन टैबलेट कंप्यूटर विद सॉफ्टवेयर फॉर साइन लैंग्वेज, दैट इज ऑगमेंटेटिव इंस्ट्रूमेंट है कम्युनिकेशन के लिए. तो उसे हम टैबलेट कंप्यूटर के द्वारा साइन लैंग्वेज को एक बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं और मतलब कम्युनिकेट भी कर सकते हैं. तो ये सब चीजें इंस्ट्रूमेंट होते हैं. और जैसे आपने आपको पता ही है कि कॉकलियर इम्प्लांटेशन सर्जरी होती है, ये भी एडिप के अंदर दिया जाता है. कॉकलिया में रिप्लेसमेंट होता है सर्जरी के द्वारा और उसके बाद उसे पोस्ट सर्जरी के बाद एक अच्छे से आप थेरेपी दे सकते हैं बच्चों की लैंग्वेज डेवलप करने के लिए. तो इस तरह के एडिप के अंदर में बहुत सारे प्रोविजन हम दे सकते हैं और एक्चुअली ये मार्केट में सब अवेलेबल है. जी सर, ये तो आपने बताया कि ये सारे डिवाइसेस हैं जो कि आप लोगों के द्वारा या विभिन्न स्कीम्स के द्वारा हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं. अब प्रश्न ये उठता है कि हियरिंग इसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें ये कैसे पता चले कि उनके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो उनको उनके लिए आवश्यक होगा, कौन सा हियरिंग एड उन्हें चाहिए होगा. जी जी, इसमें एक ही चीज होती है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो या छोटे बच्चे है तो हमारे पास जब आते हैं डायग्नोसिस करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रूमेंट देने के पहले हम पूरा रजिस्ट्रेशन कराते हैं. रजिस्ट्रेशन होने के बाद में प्रॉपरली उनका एवेल्युएशन होता है, कान की चेकिंग होती है, हियरिंग लॉस को जाना जाता है, भाषा को भी एवेल्युएट किया जाता है, स्पीच को भी एवेल्युएट किया जाता है. ये सब प्रोसेस से जाने के बाद फाइनली ये होता है कि उसमें जो टेक्निकल हमारे ऑडियोलॉजिस्ट है तो बता पाते हैं कि जिस प्रकार से हियरिंग लॉस है
वो प्रकार से वो रिकमेंड करते हैं, ये सुटेबल हियरिंग एड है, तो वो हम बच्चों को देकर ज्यादा से ज्यादा उसे कर सकते हैं। सर डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए कि कोई कोई एचआई आपके पास आ रहे हैं, कोई पीड़ित है जो आ रहे हैं आपके पास, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लाएं? जी जी। और ये और क्या सभी को ही ये हियरिंग एड दिए जाते हैं या कोई धनराशि भी उनसे ली जाती है, उन्हें कुछ पे करना होता जी, है? जी, क्या जी, जी, मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट जो होते हैं, ये आधार कार्ड होता है, वो तो मैंडेटरी है सबके लिए, उसी के साथ में इनकम सर्टिफिकेट होता है। इनकम सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये दो डॉक्यूमेंट बहुत मस्ट है। तो ये दो डॉक्यूमेंट अगर लेके कोई भी आते हैं हमारे पास, तो उसके ऊपर ही उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और जैसा आपने बोला है कि क्या कोई धनराशि दी जाती है या नहीं है, तो एक एडिप स्कीम होती है, तो एडिप स्कीम के अंदर में अगर हम कोई मशीन देते हैं, तो एडिप स्कीम के अंदर में अगर पेरेंट का इनकम 22,500 है और उससे कम है, तो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हियरिंग एड दिया जाता है, और उसी के वजह से हमें इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अगर 22,500 से आगे 30,000 तक किसी का इनकम है, तो ये इनकम ग्रुप के लिए 50% हियरिंग एड का जो मूल्य होता है वो लिया जाता है। और 30,000 के ऊपर अगर इनकम है, ये पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं, 30,000 के ऊपर अगर इनकम है, तो उनके पास से 100% फीस ली जाती है। बट मैक्सिमम हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं, तो मैक्सिमम 22,500 के अंदर वाले इनकम ग्रुप के मैक्सिमम लोग आते हैं, ज्यादा से ज्यादा वही हमारे पास लोग आते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास सर्विसेज सबके लिए हमने रखी है कि जिनका इनकम ज्यादा है उनको भी पेमेंट के बेसिस पे दिया जाए। अगर इनकम सर्टिफिकेट इन्हें चाहिए हो तो कहाँ से इसको ये ले सकते हैं, कहाँ से मिल सकता है? जी मैम, जो डिजेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है, तो अली आवरजंग को फिलहाल में ये अधिकार दिया गया कि जो मुंबई का जो एरिया है विद इन मुंबई, तो मुंबई के अंदर में जितना एरिया आता है उसमें ही हमें अधिकार है कि हम डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट को इश्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति को अगर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो सरकारी अस्पताल होते हैं, हर एक जिला लेवल पे होते हैं, वहां पे अप्रोप्रिएट जांच करने के बाद उनको डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल सकता है। लेकिन मुंबई में खासकर अलियावरजंग में अगर बात करेंगे, तो हमें थोड़ा सीमित है हमारा, हम सिर्फ मुंबई वासियों को ही दे सकते हैं। मुंबई रीजन में आता है कि पालघर तक, पालघर है, कल्याण है, ठाणे है, रायगढ़, बस वह उतने रेंज तक ही हम इश्यू कर सकते हैं। जी सर, अभी हमने मुख्य तौर पर बात की कि कौन कौन सी सर्विसेज अलियावरजंग देता है, जिसमें कि हियरिंग एड्स और एचआर है ना सर? जी जी, हियरिंग एड इंस्ट्रूमेंट देते हैं। हाँ जी, हम मैनपावर डेवलप करते हैं। हाँ जी, एवेल्यूएशन होता है यहाँ पे, आउटरीच एंड एक्सटेंशन सर्विसेज का मतलब ये होता है कि हमारी एक टीम होती है, हम दूर दराज गाँव में जहाँ कहाँ हर एक जगह पे पहुँचते हैं, और वहाँ पर जो निडी लोगों का सर्वे करते हैं, वही एनजीओज होते हैं उनका सहभाग लेते हैं। ये एनजीओज ऐसे होती है कि वो भी तत्पर होती है, उनका भी सहभाग लेना बहुत जरूरी होता है, और उनकी सहायता से और उनके कोलाबोरेशन में हम असेसमेंट का काम करते हैं, हियरिंग एड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। और हमारी टीम अलग अलग नॉर्थ कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड नॉर्थ ईस्ट के पूरा एरिया हम कवर करते हैं, यहाँ गुजरात तक सब एरिया, गांव सब गांव है, छोटा प्लेस है, कोई भी जहाँ भी, मतलब अनरिच रिच टू अनरिच, ये एक एक विजन लेके हम चलते हैं। बहुत बढ़िया कहा आपने कि रिच टू अनरिच। और जाते जाते सर आप ये और बता दीजिए कि अगर कॉन्टेक्ट करना हो किसी को आप लोगों से, तो कौन सी वेबसाइट है, क्या फोन नंबर है, क्या ईमेल एड्रेस है, और रिसोर्स पर्सन कौन कौन रहेंगे? अगर जरूरतमंदों को अगर सर्विसेज चाहिए अलियावरजंग से, तो हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट है कि www.ayjnihs
www.nic.in एक वेबसाइट है, उसके साथ एक डिजेबिलिटी इंफॉर्मेशन लाइन होती है जिसे हम DIL बोलते हैं। कोई भी प्रकार की सहायता हो, कोई इंफॉर्मेशन हो तो DIL नंबर को डायल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर होता है और ये अलग अलग रीजन में अलग अलग नंबर होते हैं कि जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, तो एक 1800-22-2014 इसके साथ 022-640-4019/24/43 इस प्रकार का ये टोल फ्री नंबर है। तो ग्राहक जो भी जरूरतमंद है तो इस टोल फ्री नंबर पे डायल करके विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन हर प्रकार की कि क्या करना चाहिए, क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है, किसको कांटेक्ट करना है, ये सब डिटेल आपको ये DIL लाइन से मिल सकता है। और हमारे रिहैबिलिटेशन ऑफिसर्स होते हैं तो उसको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें जो हमारा मुंबई का, खासकर मुंबई का जो नंबर है 022-2640-0215 और दूसरा नंबर है कि 022-2640-9176। तो इस नंबर से भी आप कांटेक्ट अगर करते हैं तो आपको जो कंसर्न प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि रिहैबिलिटेशन ऑफिसर्स है, ऑडियोलॉजिस्ट है, रिसेप्शन है, डायरेक्टर है, तो अलग अलग सर्विसेज को आपको कनेक्ट करा के दे सकते हैं। और मैं बोलना चाहूंगी कि रिसेंटली जैसे आप जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वो बहुत ही तत्पर है ये सुविधा सेवा देने के लिए, डे एंड नाइट इसके बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे किस तरह से बेटर सर्विसेज हम जनता को, पब्लिक को दे। तो उन्होंने ही UDID जैसे कि यूनिक डिजेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन ये सुविधा उपलब्ध कराई और हर एक जगह पे जैसे अलियावरगंज है, उनके CRCs है, रीजनल सेंटर्स है, सब जगह पर ये काउंटर हमने खोला है जिसमें UDID धारक को हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, तो इस तरह की ये फैसिलिटीज होती है। अभी हमारा जो डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एलिमको को भी हमारे पास में एक ऑफिस बनाने के लिए बोला है कि जो भी एलिमको की सर्विसेस होगी, जो भी आर्थोपेडिक पर्सन के लाइक व्हील चेयर है या तो और क्रेचेस है ब्लाइंड पर्सन के लिए और भी कोई भी प्रकार के जो बुजुर्ग लोग है उनके लिए कोई सेवा है रिहैबिलिटेशन की, तो हर एक प्रकार की सेवा एलिमको के द्वारा भी यहाँ पे दी जाएगी। वो भी हमारे अलियावरगंज नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई जो कि बांद्रा वेस्ट में स्थित है, तो वहां पर ये सब सुविधा उपलब्ध है। इसी के साथ में यही सेवा हमारे RRC और CRC अलग अलग CRC में भी उपलब्ध है, उसका जो गरजूमंद है बिल्कुल लाभ उठा सकते हैं, अच्छे से फायदा ले सकते हैं और अपनी सुविधा पा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू सो मच सर जी। दोस्तों, संस्थान के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है श्रवण बाधितों के पुनर्वास से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव संसाधन का विकास करना, नवीन शोध एवं अनुसंधान, उनके लिए शैक्षिक एवं सामुदायिक कार्यक्रम चलाना, शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करना, वाक एवं श्रवण से जुड़ी नई नई तकनीकों का विकास कर उनका डॉक्यूमेंटेशन करना। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी से आप जरूर लाभान्वित होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दूत।